नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। एक सवाल हमेशा से आप पूछते हैं कि भैया शिबिरम ब्लॉकचेन आने के बाद क्या शिबा इनू कॉइन ट्रिलियंस के अंदर बर्न हो सकता है? क्या शिबा इनू कॉइन बर्न होने के बाद एक बार फिर से ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है? शिबा इनू कॉइन की प्राइस क्या 1 INR के आंकड़े को टच कर सकती है? इसके ऊपर हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। और यहाँ पर ये सवाल जो है वो अगर हम डेवलपर से करें कि क्या शिबिरम ब्लॉकचेन आने के बाद ट्रिलियंस के अंदर बर्न होगा या फिर नहीं, तो इसका जवाब सतोशी कुसामा ने क्या दिया है, इसके ऊपर हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। अगर हम बात करें रिसेंटली यहां पे ट्रांजैक्शंस के बारे में, तो शिबा इनू कॉइन की डेली बेसिस के ऊपर बर्निंग हो रही है। आज यहां पे आप देख सकते हैं कि कहीं ज्यादा ऐसी ट्रांजैक्शंस देखने को मिली जिसके अंदर शिबा इनू कॉइन को बड़ी क्वांटिटी के अंदर बर्न भी किया गया और शिबा इनू कॉइन को कंटिन्यूसली यहां पे डिस्ट्रॉय भी किया जा रहा है बर्न वॉलेट के अंदर। इसी वजह से यहां पे आप देख सकते हैं कि द क्रिप्टो बेसिक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है शिबा इनू बर्न रेट स्काइरॉकेट्स एज मिलियन ऑफ शिब बर्न्ड, यानी कि शिबा इनू कॉइन की जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शंस हो रही है उतना ज्यादा शिबा इनू कॉइन बर्न हो रहा है। इसी वजह से शिबा इनू कॉइन का बर्निंग रेट यहां पे स्काई रॉकेट्स की तरह काफी ज्यादा तेजी पकड़ रहा है। अगर हम बात करें सवाल की जो कि यहां पे शिबा इनू कॉइन के डेवलपर टीम से पूछा गया, यहां पे आप देख सकते हैं कि सवाल क्या था। इसके अंदर बताया गया है कि भैया विल ट्रिलियंस ऑफ कॉइंस बी बर्न फ्रॉम इट, यानी कि क्या शिबिरम ब्लॉकचेन से ट्रिलियन के टोकन बर्न होंगे? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सतोशी कुसामा ने जवाब दिया है दैट इज द गोल बडीज, यानी कि भैया ये जो मकसद है जो कि हम यहां पे शिबिरम ब्लॉकचेन बना रहे हैं, यानी कि सीधा जवाब आ चुका है विल ट्रिलियंस ऑफ कॉइन बर्न, क्या शिबा इन कॉइन ट्रिलियंस के अंदर बर्न होगा? तो यहां पे सतोशी कुसामा बोलते हैं दैट्स द गोल बडीज, यानी कि भैया हमारा यही मकसद है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और शिबा इन कॉइन की बर्निंग ट्रिलियंस के अंदर देखने को मिलेगी, इसका यहां पर जवाब मिल चुका है। तो अब यहां पर क्या करना है, हमें शिबिरम ब्लॉकचेन का वेट करना है, क्योंकि यहां पे डेवलपर खुद यहां पे कह रहे हैं कि भैया हमारा ये गोल है कि हम यहां पे शिबा इनू कॉइन को डेली बेसिस के ऊपर ट्रिलियंस के अंदर बर्न करें या फिर ईयरली बेस के ऊपर ट्रिलियंस के अंदर बर्न करें या फिर मंथली बेस के ऊपर ट्रिलियंस के अंदर बर्न करें, लेकिन यहां पे होगी ट्रिलियंस के अंदर बर्निंग। तो यहां पे अगर ऐसा हुआ तो शिबा इनू कॉइन भैया एक बहुत बड़े माइलस्टोन को अचीव कर सकता है। और यहां पे अगर ट्रिलियंस के अंदर शिबा इनू कॉइन की सप्लाई डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, तो आपको इस चीज को भूलना नहीं है कि शिबा इनू कॉइन दुनिया की 10 बेस्ट एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है, वहां से शिबा इनू कॉइन के काफी ज्यादा होल्डर्स हैं और शिबा इनू कॉइन वहां पे एक बहुत अच्छे ट्रेडिंग वॉल्यूम को गेन करेगा और शिबा इनू कॉइन के अंदर एक बार फिर से एक नई यहां पे रैली देखने को मिल सकती है। सो आई होप कि आपको ये न्यूज काफी तक पसंद आएगी। अगर आप ऐसी शॉर्ट और यहां पर डिटेल्स के अंदर वीडियो देखने चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक छोटी से लेकर बड़ी अपडेट टाइमली आपको मिलती रहे और आप शिबा इनू कॉइन से अपडेटेड रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा, हमारी दात हरे कृष्णा।